अच्छा, पॉप म्यूजिक ना 90s किड्स की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, अगर आपको याद हो। और ऐसे ही पॉप म्यूजिक पे स्टोरीज भी बड़ी सारी होती थी, और 90s का एंड होते ही ना पॉप म्यूजिक भी एंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? फॉर दैट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल कॉल्ड 90s इंडी पॉप, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वॉच इट नाउ। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो लाइक ऑलवेज, एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस चैनल पर मैं आपके लिए 90s की पॉप क्वींस लेकर आई हूँ। सो एट नंबर वन वी हैव अलीशा चिनाय, मेड इन इंडिया गर्ल, जिन्होंकी ये एल्बम जो है ना बहुत हिट हुई थी, बिडू के साथ उन्होंने ये एल्बम निकाली थी। नाउ अलीशा चिनाय ने वैसे तो 80s से पॉप म्यूजिक गाना शुरू कर दिया था, एल्बम्स काफ़ी सारी निकाली थी, लेकिन इट वॉज द एल्बम मेड इन इंडिया दैट मेड हर हाउस होल्ड नेम। एंड ऑल्सो उसमें दूसरे भी गाने थे लाइक लवर गर्ल, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी पॉप म्यूजिक एल्बम्स निकाली। बट येस, 90s पॉप क्वींस में सबसे बड़ा नाम था अलीशा चिनाय का। एंड नंबर टू वी हैव सुचित्रा कृष्णमूर्ति, इनकी भी पॉप एल्बम आई थी 90s में जिसके गाने काफ़ी हिट हुए थे, सॉन्ग्स लाइक डोले डोले। इनफैक्ट उसके अलावा भी इस एल्बम में ही धूम ताना नाम का एक गाना भी था। द बेस्ट थिंग अबाउट हर वॉज दैट शी वॉज वेरी स्टाइलिश, शी इज़ वेरी स्टाइलिश एक्चुअली, एंड ऑल्सो उनके जो डांस मूव्स है ना वो भी काफ़ी अच्छे होते थे। एट नंबर थ्री सुनीता राव, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ एक गाने का नाम ले लूँ ना इनके तो आपको पता चल जाएगा, परी हूँ मैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऑफकोर्स मुझे बाद में पता चला कि इसका वीडियो जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बना है, बट वी वर किड्स एट दैट पॉइंट सो वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट, बट ऑफकोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसके अलावा केसरिया एक गाना आया था उनका, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था 90s पॉप में। एट नंबर फोर वी हैव फाल्गुनी पाठक, मतलब 90s पॉप क्वींस की लिस्ट बने और फाल्गुनी पाठक का उसमें नाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। गरबा क्वीन, डांडिया क्वीन उनको बुलाते थे 90s में हम, उनके सारे गाने हिट होते थे, जैसे मैंने पायल है छनकाई, दी अदर वन याद पिया की आने लगी जिसको रिसेंटली रिक्रिएट किया गया है, बट ओरिजिनल जो था फाल्गुनी पाठक का दैट वॉज रियली रियली गुड। एट नंबर फाइव वी हैव श्वेता शेट्टी, और लोग बहुत कन्फ्यूज करते थे बिटवीन श्वेता शेट्टी एंड सुनीता राव क्योंकि दोनों के बाल कर्ली थे, बट श्वेता शेट्टी का एक अपना स्टाइल था, वो बहुत अलग तरीके से गाती थी, सुनीता राव ऑल्सो हैड अ यूनिक स्टाइल। और श्वेता शेट्टी की एल्बम दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं बहुत हिट हुई थी 90s में, इसका वीडियो वॉज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट। और ऑफकोर्स यू नो जितनी भी 90s पॉप क्वींस थी ना उनकी अच्छी बात ये थी कि वो अपने वीडियो में खुद फीचर होती थी, खुद ही डांस भी करती थी, तो एक इंटरेस्टिंग तरीका था उनको प्रेजेंट करने का 90s में। नाइन्टीज पॉप क्वीन में नंबर सिक्स पर हैं रागेश्वरी। अगर आपको याद हो रागेश्वरी ने एक एल्बम निकाली थी जिसका नाम था दुनिया, और उसका टाइटल ट्रैक काफ़ी अच्छा था, दुनिया बड़ी रंगीली, एंड देयर वाज अनदर वन, एंड लेट मी टेल यू ये पूरे के पूरा जो एल्बम था ना उसके गाने मालदीव्स में शूट किए गए थे, और 90s में ये होना बहुत बड़ी बात होती थी। ऑफकोर्स यू नो रागेश्वरी की पर्सनल स्टोरी काफ़ी ट्रैजिक है कि किस तरह से शी लॉस्ट हर वॉइस, बट हर स्पिरिट इज़ टू आई मीन इट्स सो इंस्पायरिंग द वे शी गॉट बैक टू लाइफ आफ्टर दैट, इट्स ब्यूटिफुल। अगर आपने ज़्यादा नहीं सुना है इस बीमारी के बारे में या इस चीज़ के बारे में कि क्या हुआ था, तो अगेन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो कॉल 90s इंडी पॉप, आपको सब पता चल जाएगा। एट नंबर सेवन वी हैव अनामिका, और अनामिका का पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था एक सॉन्ग 90s में जो हम कॉलेज फंक्शन में काफ़ी परफॉर्म करते थे, कहीं करता होगा वो मेरा इंतज़ार, विच वॉज एक्चुअली अ रीमिक्स ऑफ एन ओल्ड सॉन्ग कॉल्ड कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, बट इट वॉज ब्यूटिफुली रीमिक्सड बाय एंड ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड बाय अनामिका। देन देयर वॉज काला शाह काला, और पंजाबी गाने उनके और भी काफ़ी हिट होते थे 90s में। एट नंबर एट वी हैव द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन, 90s पॉप क्वीन ईला अरुण, जिनके गाने कॉन्ट्रोवर्सीज में बहुत ज़्यादा घिर जाते थे 90s में, वेदर दीज वर हर सॉन्ग्स लाइक फिल्मी सॉन्ग्स विच इज़ चोली के पीछे क्या है, बट ऑल्सो हर पॉप सॉन्ग्स लाइक निगोड़ी कैसी जवानी है, और देयर वॉज अनदर वन दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, एंड बट यू नो उनके उनके गानों में वो जो बिकॉज वो लोकल राजस्थानी जो टच होता है ना वो बहुत अच्छा लगता था 90s के पॉप सॉन्ग्स में।
चली सोहर मर मारो घाघरा जबू। मुझे नहीं पता कि एट नंबर 9 जो लड़की है वो कितने लोगों को याद होंगी। अनाइडा नाम था इनका और इनके भी काफ़ी पॉप सॉन्ग्स आए थे 90s में। एक तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल शी लुक्ड एंड यू नो शी वाज रियली फिट और उनकी जो भी उनकी जो प्रेजेंस थी ना इन हर वीडियोस वो बहुत खूबसूरत लगती थी। सो देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड उवा उवा जो उन्होंने गाया था 90s में। देन देयर वाज ऊंची नीची है डगरिया विच वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एट नंबर 10 इन 90s पॉप क्वीन लिस्ट वी हैव शुभा मुद्गल। और शुभा मुद्गल जी ने तो प्यार का रंग एक एल्बम निकाली थी पूरी की पूरी जो बहुत अच्छी थी ढोलना एंड इट हैड सॉन्ग्स लाइक देयर वाज अ ब्यूटीफुल बारिश वाला गाना इफ़ यू रिमेंबर अब के सावन ऐसे बरसे एंड ऑल दीज सॉन्ग्स वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कुछ इसमें से जो पॉप सॉन्ग्स शूट किए गए थे वो भी बहुत अच्छे से एक में मलाइका अरोड़ा थी अरबाज खान के साथ जो काफ़ी बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना था 90s के पॉप सॉन्ग्स की दुनिया में। सो दीज वर माई 90s इंडी पॉप क्वींस और बहुत जल्द मैं इसका मेल वर्जन लाइक ऑलवेज लेकर आऊँगी विच विल बी 90s पॉप किंग्स। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर 90s फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। एंड जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग।